तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हर आदमी घरों में बैठा है। मजदूरों को मजदूरी ना मिलने के कारण वह भूखे मर रहे हैं। जब ऐसे मौके पर उन्हें एक आस दिखाई दी, राशन आया, उनकी कोटेदार ने राशन लेने पहुंचे तो वही कोटेदार ने धांधली शुरू कर दी। ऐसे में भी उनको नहीं छोड़ा गया और वह अपनी जेब भरने लगे। मामला है बिदनू क्षेत्र के अंतर्गत काकोरी गांव। राशन वितरण के दौरान ग्रामीणों ने कोटेदार पर कम राशन देने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कोटेदार अनिल कुमार सिंह पर राशन कार्ड में अंकित 4 यूनिट की जगह मात्र 2 यूनिट का राशन वितरण करने का आरोप लगाया। आरोप है कि एक कार्ड के 4 यूनिट पर उन्हें 12 किलो गेहूं और 8 किलो चावल मिलना चाहिए, जबकि कोटेदार उन्हें 4 यूनिट पर मात्र 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल ही वितरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोटेदार अनिल कुमार का कहना है कि आरोप निराधार है। मनरेगा व अंत्योदय कार्ड वाली ग्रामीण को मुफ्त में राशन वितरित करने के आदेश पर भी अनिल कुमार ने सभी ग्रामीणों से पैसे वसूलना नहीं छोड़ा, जबकि कार्ड में 4 यूनिट है तो 12 किलो गेहूं और 8 किलो चावल बांटना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि राशन बंटवाने के नाम पर उनसे 700 वसूली कोटेदार ने ली है और नाम उनके राशन से सदस्यों के कट जाने के कारण आधार कार्ड लिंक कराने के 300 रुपए सदस्य कोटेदार अनिल कुमार सिंह ने ग्रामीणों से वसूला है। या देखना है कि अधिकारियों के कान में जू दिखती है कि नहीं, या फिर कोटेदार की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। कानपुर से संवाददाता अमित ठाकुर की रिपोर्ट। दादा जी, कौन सा गांव है, क्या मामला चल रहा है? गांव खाकोरी, मेरा नाम सुभान है। यहाँ पे ये पोजीशन है, यदि 4 यूनिट है तो 3 यूनिट का राशन दिया जाता है और अंगूठा लगाने के बाद राशन भी नहीं मिलता। पूरा पूरा महीने यहाँ आओ तो बोलते हैं अगले महीने में लेना है, अगले महीने के बाद फिर राशन गायब हो जाता है। दूसरा, यहाँ रोज आओ सुबह से शाम तक आओ तब भी राशन नहीं मिलता। सारा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, अभी राशन का नंबर नहीं आया। जॉब कार्ड लेके आए, जॉब कार्ड में मतलब बोल रहे राशन ही। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या चीज़ कि यहाँ लोग राशन के पीछे परेशान करते हैं। अभी तक आपने किसी कुछ अधिकारी या कहीं शिकायत की है? नहीं, शिकायत कहीं नहीं की। किसको शिकायत करें, किससे? अभी हमने कई लोगों को फोन लगाया, वो उन्होंने इंस्पेक्टर साहब का फोन दिया, वो भी फोन स्विच ऑफ बता रहा है। किसको शिकायत करें, किसको बुलाए? ठीक है, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? क्या समस्या है आपकी? समस्या हमें ये है सर जी, 3 लोगों को राशन मिलता है, 1 लोग का नहीं। कितने लोगों के नाम है राशन में? 4 जन। 4 लोगों के नाम है और 3 लोगों का राशन देते हैं? हाँ, 3 लोगों को देते हैं। और रुपए कितने लेते हैं ये आपसे? ये 50 देते हैं, इधर की 5 लोग आ रहे हैं, 50 रुपए। अच्छा, कार्ड बना हुआ है मनरेगा? सब कुछ है। मनरेगा कार्ड बना हुआ? हाँ। तो उसमें आपको राशन फ्री नहीं दिया? नहीं दिया। अभी कहा नहीं आपने? कहा, हमने जमा किया था, दोनों कार्ड इकट्ठा जमा किया था तो दिए नहीं। अच्छा। क्या करें हम भाई, गरीब लोग हैं, हम लड़ तो पाएंगे नहीं, तो उनके जब लड़ नहीं पाएंगे तो इक्का ज्यादा जोर नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? कहाँ पर आप आई हैं राशन लेने? क्या नाम है दुकान का? अनिल कपूर। अनिल, अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपकी राशन में? ये समस्या का, 5 जने चढ़े हैं काट रही हैं तो दिया था 2 जने के। अच्छा, कब से ऐसा कर रहे हैं ये? हर लगभग दिन से, काफी दिन से, लगभग 2 साल से। 2 साल से हम लोग गरीब आदमी हैं भैया, जो भैया वो हम ले लेती हैं। आपको आधा कदम से पैसे